विद्यार्थी मित्रों, आज हम तुमने धोरण 12 विषय हिंदी पाठ 12 रेडियम की आत्मकथा, गई काले आपने पाना नंबर 62 पर अभ्यास करेलो, आज आपने पाना नंबर 63 पर अभ्यास करीशु। वियोग का फल कड़वा होता है, यदि मैं चाहता तो इस वियोग का फल पहले वैज्ञानिक को और फिर मनुष्य को चखा देता। वियोग देखिए लंबा समय सुधी नदी कौन से ते ते वो जे कड़ू हो जे। यदि जो हूँ चाहूँ तो वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों और फिर मनुष्यों को चखा देता, किंतु ऐसा करना मुझे मंजूर न था, परंतु योग कर उमार मारे मंजूर न होता, क्योंकि पशुओं में सिंह की देसी दाब जमी रहती है, देवताओं में इंद्र जैसा मान पाते हैं, कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित होता है, वैसे ही मैं मोलिकों का राजा बन बैठा और इस स्थान पर मनुष्य ने मुझे बैठा किया। उन पर मेरे प्रसन्न रहने का यही कारण है। मेरा उत्पत्ति पीच ब्लेडिंग नामक एक खनिज पदार्थ में से हुआ था। मारी उत्पत्ति पहला ब्लेडिंग नामक जो खनिज पदार्थ थे तेमा की थयो। इजराइल में मेरे पिता और आयोनियम मेरे पिता आए। इजराइल थे तेना दादा और आयोनियम थे तेना पिता थे। अर्थात यदि तुम इजराइलियम को कुछ देर क्यों ही रख दो तो उससे आप ही आप आयोनियम और आयोनियम में बन जाओगे। अच्छा तुमने कभी पारस पत्थर का भी नाम सुना है? सर तुम्हें कोई दिवस पारस पत्थर के तेरे नाम सांभर थे? यह वह पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। जो पारस मन जो पत्थर थे ते पत्थर थे लोखंड पर सोनू बनी जाए थे और जस्ता चांदी का रूपांतर ग्रहण करते हैं। यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था, अथवा यो कहो कि वे एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी के धातु में परिणित करने की रीत जानते हैं, किंतु पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसे एक कपोल कल्पित वस्तु बताया और इसकी हंसी उड़ाई उड़ाई। अब मेरे आविष्कार से उनकी आंखों खुली है, वे समझने लगे थे कि जैसे इजराइल में से रेडियम और खुद से रेडियम धातु बनती है, उसी प्रकार और धातु भी एक दूसरे का रूपांतर ग्रहण करते एक प्रकार विजय धातु क्वांटिक विजमान रूपांतर करे। अब उनका ध्यान पारस पत्थर की सत्यता की ओर गया गया है। उनमें कितने तो ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि पारस पत्थर की समस्या हल हो गई, किंतु वे नहीं जानते कि पारस पत्थर बनाने में उन्हें अभी वर्षों लगेंगे। ने खबर नहीं कि पारस पत्थर से ते बनावट उन्हें वर्षों लगेंगे। मेरा मूल्य इतना अधिक है कि मैं संसार की सभी वस्तुओं में बहुत मूल्यवान हूँ। मावितमा कहते हैं कि संसार की बड़ी वस्तुओं में हूँ बदायूं कीमती चूँ। मेरे एक कौन का जितना दाम है उतने में सोना और प्लेटिनियम ढेर के ढेर मिल सकते हैं। मारो एक कौन से देने की कीमत से कि सोना और प्लेटिनियम से देने एक कौन थी वधारे में वधारे मने सकते। मेरी बहुमूल्यता का अनुमान तुम इतने से ही कर सकते हो कि आर्किमिड के सिरे के बराबर मेरे एक छोटे से दुपट्टे का दाम 75,000 रुपए होता है। लंदन के मिडल सेक्स हॉस्पिटल में मेरे दो वार्ड है। लंदन ने मिडल सेक्स हॉस्पिटल से देना दो वार्ड देमा छे। ये इतने छोटे हैं कि बिना कुदरत के देखे नहीं जा सकते।
भविष्य में बड़ी बड़ी करामातों कर
अपना दिखाऊंगा। मेरी विलक्षण चालों को सुन तुम्हें दाते तले उंगली दबानी पड़ेगी। जैसे जैसे मेरा विषय में तुम्हारी जानकारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे तुम मेरी कदर करना सीखोगे। जिन जिन मारा विषय हमारा प्रति जानकारी तुम्हें मर सकते हो, जिससे तुम हमारी कदर करता सीखी जाओ। जिन जिन विज्ञान विज्ञाताओं की दृष्टि मुझ पर अधिक रहेगी, जिससे जिससे विज्ञान विज्ञान को चे तेरी और हमारी ऊपर दृष्टि चे बदारे बदारे रहे चे। मैं उनकी खोज का कारण अभी बहुत दिनों तक बना रहूंगा। मुझे सदैव खोज के सदैव शोध चाहिए। तेरे कारण अजी सुधी लाभा समय सुधी बढ़ता रहूंगा। मैं बनी रहीस। मेरी नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चल निकलती है, जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमकने लगते। मारी मेरे ही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु से वस्तु पर चल निकलती है, तेमा जोवा पड़े छे। जब घड़िया छे तेमा लगावा थी ते लांबा समय सुधी अंधेरे में ते समय स्वयं चमकते है। घड़िया छे तेमा रेडियम छे अंधारामां जशो तो पण ए चमकशे, एटले समझी लेवानुं के ते रेडियम छे। देखो तो सही, मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूँ। जो तो खरा हूँ तो आखा ब्रह्मांड छे अगर विश्व छे तेमां चक्कर लगावीने तमारी घड़ियाळमां हूँ मौजूद छुं एटले के हाजर छुं। इतनी यात्रा करने पर भी तुम भूलकर यह न समझ लेना कि यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई। मैं अभी और यात्रा करूंगा और कराता रहूं, अजी पण यात्रा करीश अने करावतो रहीश। बस एक बात और है, और मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूं। बस एक बात बीजी छे कि भारतवासियों से तेरे ऊपर प्रसन्न नहीं, खुश नहीं, क्योंकि वे मेरी कदर करना नहीं जानते, क्योंकि ते मारी कदर करना जानता न तुम्हारी कीमत करता नहीं। देखो भारत में कितनी खाने है, जो भारत में कितनी खानों से जहां मैं विद्वान हूं या हूं अजर हूं, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं कि इतना अधिकार नहीं कि वे मुझे खोज कर निकाले और मेरी उपयोगिता को समझे। तेरा मैं इतनी शक्ति नहीं कि देवों ने अधिकतर इतना अधिकतर नहीं है कि मने खोदी अने अने काटे। मेरी उपयोगिता को समझे, मारे उपयोगिता से उपयोग से समझे। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तब मने आदर की दृष्टि से जुओ। तुम मेरी उपयोगिता को समझो, तमे मारी उपयोगिता से तेना विषय समझो। मेरी कदर करना सीखो, मारी कदर करना रे मारी कदर करता सीखी लियो। फिर देखो मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार है।